नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों तमाम फेक वीडियोज आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं डीप फेक कही जा रही हैं, एआई की मदद से बनाई जा रही हैं, और इसका शिकार जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस हो रही हैं। लगातार जब भी कोई गाना बाहर निकल के आ रहा है तो उसके बाद जो है एआई और डीप फेक की वजह से जो है तमाम फेक वीडियोस एक्ट्रेस की बनाई जा रही हैं। अब एक बार फिर से एक ऐसी वीडियो सामने आई है ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की, जिसे यकीन मानिएगा जान के आप हैरत में आ जाएंगे, जान के आपको इतनी हैरानी होगी कि लगातार किस तरीके से एक के बाद एक जो है फेक वीडियोस का शिकार कैटरीना कैसे हो रही हैं। देखा गया था कि जब कैटरीना की फिल्म सलमान खान के साथ जब टाइगर आई थी, उसकी गाने की शूटिंग के बाद भी जो है कैटरीना की एक फेक वीडियो सामने आई थी, जो बात टावल वाली वीडियो थी, वो कहीं ना कहीं उसको फेक बना दिया गया था और जो है बॉडी पोस्चर को ही कैटरीना के चेंज कर दिया गया था। अब ऐसे में एक बार फिर से जो है बेहद ही ज्यादा इंटीमेट सीन्स के साथ कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन की रोमांटिक होती हुई एक वीडियो सामने आ रही है, जिसे देखने के बाद हर एक शख्स यहाँ पर हैरान हो रहा है। क्या कुछ है खास, देखिए आप हमारा ये बेहद ही खास प्रोग्राम। कैटरीना कैफ एक बार फिर से डीप फेक वीडियो वायरल होती हुई का शिकार हो गई। जी हाँ, लगातार सोशल मीडिया पर आपको जानकारी दे दें कि देखा जा रहा है कि कैटरीना कैफ का एक फेक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। अब ऐसे में एक बार डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं कैटरीना कैफ। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि रश्मिका मदान, आलिया भट्ट भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। उनका वायरल होने के बाद अब एक बार फिर से कैटरीना कैफ का डीप फेक वीडियो सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उनके पति विकी कौशल के साथ अयोध्या में वो राम मंदिर पहुंची थी, जहां से उनकी कई वीडियोस और फोटोज इन दिनों अभी वायरल हो रही हैं। तो वहीं जहां से उनकी कई फोटोज और वीडियो सामने आए, तो इसी बीच एक्ट्रेस का दोबारा से डीप फेक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस बार फर्जी वीडियो में उनके साथ एक्टर ऋतिक रोशन भी दिखाई पड़ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कैटरीना कैफ के साथ ये दूसरी बार हुआ है। जी हाँ, पिछले काफी टाइम से आर्टिफिशियल एजेंसी एआई के डीप फेक टूल ने स्लैब्स को परेशान करके रखा हुआ है और लगातार एक के बाद एक डीप फेक का शिकार हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कैटरीना कैफ के साथ ये दूसरी बार हुआ। इससे पहले भी अदाकारा का डीप फेक वीडियो सामने आया था। इस बार डीप फेक वीडियो में कैटरीना के साथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर ऋतिक रोशन भी दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि वायरल हो रहा डीप फेक वीडियो 10 साल पुराना है और उनके साथ बदलाव करने के बाद दोबारा से उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वीडियो को शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि अगर आप तुर्की भाषा बोलते हो तो ऐसा होता, नोट ये वीडियो आर्टिफिशियल एजेंसी से तैयार किया गया है। ये वीडियो साल 2014 में आई फिल्म बैंग बैंग के प्रमोशन वीडियो था, जिसमें दोनों सितारे इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे थे। कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन ही नहीं, आपको बता दें इससे पहले कई सारे बॉलीवुड स्टार और क्रिकेट जगत के हस्ती भी एआई के डीप फेक टूल का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले पुष्पा गर्ल के नाम से मशहूर रश्मिका मदान का डीप फेक वीडियो लीक हुआ। उसके बाद आलिया भट्ट, काजोल, सनी लियोन, नौरा फतेह और यहां तक के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इस तकनीक का शिकार बन चुके हैं। अब ऐसे में जिस तरह से फेक वीडियो ऋतिक रोशन के साथ कैटरीना का इन दिनों सामने आ रहा है, वो यकीनन ही हैरान कर देने वाला है और कोई भी जो है नहीं चाहेगा कि इस तरीके से जो फेक वीडियोस का सिलसिला देखा जा रहा है वो दिखाई भी पड़े। आपको बता दें कि पहले भी ट्रॉवल वीडियो एक सामने आया था, जो बिल्कुल डीप फेक वीडियो था, एआई के टूल से बनाया गया था और कैटरीना कैफ यहां पर डांस करते हुए दिखाई दे रही थी। तो एक बार ऋतिक रोशन के साथ फिर से जो है उनका ये डीप फेक वीडियो आना यकीनन ही एक्ट्रेस को भी परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको जानकारी दे दें कि भाई ये वीडियो देखने के बाद फैंस जो हैं काफी निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई फैंस जो हैं कैटरीना को लेकर इस वीडियो को एंजॉय भी कर रहे हैं।
अब ऐसे में सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि इन दिनों कैटरीना बेहद ही खूबसूरत अंदाज में साड़ी पहने अयोध्या पहुंची थी, जहां पर देखा जा रहा था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया था, जहां पर कैटरीना और विकी कौशल को निमंत्रण दिया गया था, उनको इनविटेशन दिया गया था। और यहां पर कैटरीना कैफ अपने पति विकी कौशल के साथ दिखाई दी और वो भी बहुत ही इंडियन लुक में उन्हें देखा गया। बेहद ही ग्लैमरस और खूबसूरत अंदाज में यहां पर कैटरीना साड़ी पहने दिखाई दी थी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में भाई आखिरकार किस तरह से यहाँ पर कैटरीना कैफ को लेकर एक फेक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जितनी टेक्नोलॉजीज बढ़ने लगती हैं उतनी ही जो है उसके लूप होल्स भी सामने आते हैं। जितनी हमें उससे एक प्लस पॉइंट है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर लगातार जो है एक्ट्रेस के साथ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये फेक वीडियोस का दौर चल रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरह से कैटरीना और ऋतिक का ये जो वीडियो आया है वो सोशल मीडिया पर एक नया बवाल मचाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।